हे गाइस, कॉमन एंटरटेनर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं विक्रम वेदा के कास्ट कंपैरिजन के बारे में। तो देखो भाई, अभी तक हो ये रहा है कि सिर्फ विक्रम वेदा के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही है, जिसमें सैफ अली खान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सब लोग ऋतिक रोशन और विजय सेतुपति के बारे में ही बात कर रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वेदा का कैरेक्टर मूवी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रा के कैरेक्टर के बारे में। तो देखा जाए तो मूवी के हिसाब से चंद्रा का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब चंद्रा मरी थी तभी विक्रम को पता चला था कि असली विलन्स है कौन। तो चंद्रा का कैरेक्टर ओरिजिनल मूवी में निभाया था वरलक्ष्मी ने, जिनका काम भाई बहुत सही था, और रीमेक में इस कैरेक्टर को निभा रही हैं योगिता बिहानी। तो अब अगर हम बात करें योगिता बिहानी की एक्टिंग स्किल्स के बारे में तो उस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उन्हें किसी भी मूवी या फिर टीवी सीरीज में नहीं देखा है। और अगर आपने उन्हें किसी मूवी या फिर टीवी सीरीज में देखा है तो डू कमेंट एंड लेट मी नो कि वो कैसा काम करती हैं, क्योंकि भाई देखो चंद्रा का कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि उसी की वजह से ही चिट्टा और वेदा के बीच में गैंग वॉर हुई थी। दूसरा कैरेक्टर आता है पुल्ली का, जो कि वेदा का भाई है, और अगर भाई है तो भाई ये रोल भी इंपॉर्टेंट है। तो ओरिजिनल विक्रम वेदा मूवी में इस रोल को किया था काथिर ने, जो कि बहुत अच्छा किया था। पुल्ली इस मूवी में पढ़ाई लिखाई वाला एक इकलौता इंसान था वेदा की गैंग में, और भाई काथिर की एक्टिंग से वो दिख भी ऐसे ही रहे थे। तो रीमेक में पुल्ली के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं रोहित शरफ, जिन्हें हमने मिसमैच और लूडो में देखा है। तो भाई रोहित शरफ की पर्सनैलिटी वगैरह देखकर पुल्ली के लिए उनका ये रोल बहुत अच्छा होने वाला है। थर्ड कैरेक्टर आता है चेटा भाई का, जिसको ओरिजिनल में हरीश पेराड़ी ने निभाया था, और भाई उनकी एक्टिंग और उनका स्वैग बिल्कुल गैंगस्टर वाला लग रहा था। तो सीन ये है कि ओरिजिनल में इस कैरेक्टर को कौन निभाने वाला है ये अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन अगर हम न्यूज की मानेंगे तो इस रोल को रतिशंकर त्रिपाठी जी निभा रहे हैं, जिनको हमने बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में नेगेटिव रोल करते हुए देखा है। तो ना तो टीजर में ना ही ट्रेलर में चिट्टा भाई को हमें अच्छी तरह रीमेक में कहीं नहीं दिखाया गया अभी तक। इनके बाद बात कर लेते हैं प्रिया की, जो कि विक्रम की वाइफ होती हैं। तो ओरिजिनल में इस रोल को निभाया था श्रद्धा श्रीनाथ ने, और भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। रीमेक में इस रोल को राधिका आप्टे निभा रही हैं। अब देखो भाई, ओरिजिनल में जो प्रिया बनी थी वो बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर था, लेकिन जैसा हमने ट्रेलर में राधिका आप्टे को देखा है वो बहुत हार्ड फील कर रही है। अब हो सकता है कि ये चीज हमें ट्रेलर में ऐसी लग रही हो, क्या पता मूवी में ये बहुत अच्छा हो, क्योंकि भाई राधिका आप्टे की एक्टिंग मैं जानता हूँ, वो बहुत खतरा एक्टिंग करती है। अब बात कर लेते हैं विक्रम के कैरेक्टर के बारे में। तो ओरिजिनल में इस रोल को निभाया था आर माधवन ने, और भाई वो बेस्ट था क्योंकि भाई उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आवाज मिल रही थी। वहीं रीमेक में इस रोल को निभा रहे हैं सैफ अली खान, जिनकी बॉडी लैंग्वेज तो बिल्कुल सही है लेकिन उनकी आवाज बैठ नहीं रही, मतलब सैफ अली खान की आवाज उनकी बॉडी लैंग्वेज से मिल नहीं रही इस मूवी में। अब ये चीज हमें अच्छी भी लग सकती है मूवी में, लेकिन अभी मूवी नहीं देखी है तो कुछ भी हो सकता है। अब लास्टली बात कर लेते हैं वेदा के बारे में। तो वेदा के बारे में मैं क्या बात करूं, सब लोग वेदा के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो वेदा के कैरेक्टर के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, ऋतिक विजय सेतुपति के कैरेक्टर को जस्टिस दे पाएंगे या फिर नहीं। तो गाइस, ये था एक कास्ट कंपैरिजन रीमेक वर्सेस ओरिजिनल का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो भाई कमेंट बॉक्स में वेदा के कैरेक्टर के बारे में सजेशंस जरूर दें।